एक तरफ महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान में विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, लेकिन अलवर के बहरोड क्षेत्र से आई एक विधवा महिला ने अपनी बेटी के साथ कलेक्ट्रेट में पहुंचकर न्याय की मांग की। उसने रोते रोते मीडिया को बताया किस तरह पति की मौत के बाद ससुर और अन्य परिवारजन पूरी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। हाथ जोड़कर रोते रोते महिला न्याय की भीख मांग रही है। पति की मौत के बाद महिला पर अत्याचार शुरू हो गए। महिला का बहरोड थाना क्षेत्र के फौलादपुर में ससुराल है। ससुराल वालों ने इसे पति की प्रॉपर्टी का हिस्सा तक नहीं दिया और प्रॉपर्टी को बेचने की फिराक में लगे थे। पीड़िता ने इसकी शिकायत एसडीएम को की और स्टे ले लिया, लेकिन स्टे के बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से ससुर ने प्लॉट को बेच दिया। इसके बाद पीड़ित महिला व उसकी बच्ची के साथ मारपीट भी की गई, जिससे बच्ची के सर में गंभीर चोट लगी, जिसका इलाज भी जयपुर के मनोचिकित्सक के यहाँ चल रहा है। महिला का आरोप है कि कई बार थानों में भी चक्कर लगाए, लेकिन हर बार समझौता कराकर घर भिजवा दिया जाता। वहीं एसडीएम से स्टे के बावजूद प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत है। इस मामले में न्याय के लिए जिला कलेक्टर के पास आए हैं। इस दौरान एसडीएम प्यारेलाल सोंठवाल ने आश्वासन दिया कि जो भी विधि सम्मत कार्यवाही होगी वह की जाएगी। मेरे हस्बैंड का एक्सपायर हुए, उसके बाद में उन्होंने 6 महीने बाद में ही मेरी गाड़ी ठीक की थी, उसी दिन से मेरे साथ झगड़ा करने लग गए, मारा छेड़ी। और ससुर तो ये कहता है कि जब तक मेरी लुगाई रहेगी तो मैं तेरे सब कुछ कर दूंगा, नहीं कुछ नहीं करूंगा, देवर ससुर चाचा ससुर ये सारे मिल के। इस बात को लेकर आपने शिकायत करी? मैंने शिकायत 3-4 बार थाने में कर चुकी, वहाँ से दबाव डलाते हैं गाँव के, वहाँ से राजीनामा दिला देते हैं। फिर मैं अपने घर रहने लग गई 4 साल में, वहाँ से फिर एक सरपंच का बाप लेके आगे भी समझा लो उनका नाम, वो मेरे को घर आया कि बेटा जैसे तैसे करके मैं रहूंगा, अगर आपको तुझे कुछ कहेगा तो मैं बोलूंगा। और आज वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। कौन से थाने में शिकायत दर्ज? शाजापुर थाने में। क्या कहते हैं वहाँ के अधिकारी? क्या कहते हैं? उनको बुला लेते हैं गांव के सरपंच और मंच को, उनको राजीनामा दिला के फिर घर भेज देते हैं। कौन है सरपंच? कौन है जो विद्यासागर, उसका कृष्णा नाम है और उसका बेटा का नाम ललित है। ये आपके ससुर हैं, ये क्या करते हैं? शराब पीता है और कुछ नहीं करता, डंडी पैसा करता है। और मेरे पास प्रूफ भी है उनका, उन लोगों का। जो कागजात गजराज यादव ने मुझे दिखाए उससे ये लग रहा है कि इनकी जो बेटी है उसका ससुराल फौलादपुर तहसील बहरोड में है, और वहाँ इसके पति की मृत्यु होने के बाद में संयुक्त परिवार की जो संपत्ति थी उसमें इसको हिस्सा नहीं दिया जा रहा, और उसके ससुर द्वारा उस संपत्ति का बेचैन किया जा रहा है। बेचैन की आशंका को देखते हुए इस महिला ने एसडीएम कोर्ट बहरोड में दावा पेश किया और उसमें स्थगन आदेश जारी था। इसके बावजूद दिनांक 3 मार्च को इसमें रजिस्ट्री हो गई है एक प्लॉट की, और जैसा इस पीड़ित महिला ने बताया उसका म्यूटेशन भी हो गया है। इसके बारे में संबंधित एसडीएम से मैंने चर्चा किया है, उन्होंने उनको डिटेल भेजने के लिए कहा है, और इस प्रकरण में दिखवाते हैं कि स्थगन होने के बावजूद भी रजिस्ट्री कैसे हो गई, और हुई है तो दोषी कर्मचारी अधिकारी कौन है। और दूसरा जो इसमें फौजदारी के प्रकरण हैं कि पीड़ित महिला की छोटी बेटी को परिवारजनों द्वारा मारपीट और मारपीट होने से उसके सब्सिक्वेंटली उसके मानसिक रोग होने का जो प्रकरण सामने आया है उसमें कागजातों से तो लग रहा है कि उसको चोट लगी है सर में, और जयपुर में मनोचिकित्सक के यहाँ उसका इलाज कर चल रहा है। हमने अपने स्तर पे जो कुछ किया जा सकता है उसके तहत इसको सरकारी हॉस्पिटल में भिजवाया है। एक प्राइवेट न्यूरोलॉजिस्ट से भी बात की है, डॉक्टर अभिषेक गोयल से, और एक बार उनका चेकअप करवा देते हैं, उसके बाद जो भी कागजात देख करके यथासंभव जो नियमानुसार कार्रवाई जिला कलेक्टर स्तर पे संभव है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।